बॉलीवुड अभिनेत्री नुसरत भरूचा आज किसी पहचान की मोहताज नहीं है। उन्होंने अपनी मेहनत के दम पर बहुत ही कम वक्त में वो मुकाम हासिल कर लिया है जिसकी तमन्ना हर कलाकार रखता है। उनकी अदाकारी के लोग दीवाने हैं। उन्होंने एक से बढ़कर एक कई हिट फिल्मों में काम किया है। बेहतरीन फिल्मों के अलावा वो अपनी बोल्ड अंदाज के लिए भी जानी जाती हैं। 17 मई यानी आज एक्ट्रेस अपना 38वां जन्मदिन मना रही हैं। उनके जन्मदिन के मौके पर इस वीडियो के जरिए जानते हैं उनसे जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें, तो चलिए शुरू करते हैं। नुसरत ने अपने करियर की शुरुआत टीवी की दुनिया से की थी। साल 2002 में वो जी टीवी के सीरियल किटी पार्टी में नजर आई थी। किटी पार्टी में उनका रोल ज्यादा देर का तो नहीं था, वो कुछ ही हफ्तों के लिए सीरियल में नजर आई थी। इस सीरियल में अभिनेत्री पूनम ढिल्लो मुख्य भूमिका में थी। इसके बाद नुसरत ने दूसरे शो 7 में काम किया। इसके बाद उन्होंने फिल्मों की तरफ अपनी रुचि दिखाई। लंबे संघर्ष के बाद नुसरत भरूचा को साल 2006 में फिल्म का ऑफर मिला। साल 2006 में नुसरत ने अपने करियर की शुरुआत फिल्म जय संतोषी माँ से की थी। उनकी पहली फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा सकी और फ्लॉप हो गई। फिर उन्हें साल 2009 में फिल्म कल किसने देखा है में देखा गया। नुसरत भरूचा की दूसरी फिल्म भी पूरी तरह से फ्लॉप हो गई थी, लेकिन उन्होंने तब भी हिम्मत नहीं हारी थी। इसके बाद वो फिल्म लव सेक्स और धोखा और प्यार का पंचनामा में नजर आई। नुसरत भरूचा की साल 2011 में आई फिल्म प्यार का पंचनामा में उनके अभिनय की खूब तारीफ हुई। भले ही ये बड़ी हिट साबित ना हुई हो, लेकिन इस फिल्म से कार्तिक आर्यन और नुसरत भरूचा दोनों की ही जोड़ी को दर्शकों ने खूब प्यार किया और पसंद किया। इस फिल्म के बाद से नुसरत को फिल्मों के ऑफर मिलना शुरू हुए। इसके बाद उन्होंने अपने अभिनय से दर्शकों के दिल में एक खास जगह बनानी शुरू कर दी थी। साल 2015 में नुसरत भरूचा की फिल्म प्यार का पंचनामा 2 हिट साबित हुई। नुसरत भरूचा की फिल्म सोनू के टीटू की स्वीटी को दर्शकों का खूब प्यार मिला। ये फिल्म हिट साबित हुई। इस फिल्म में उन्होंने कार्तिक आर्यन और सनी सिंह जैसे कलाकारों के साथ काम किया था। साल 2018 में रिलीज हुई इस फिल्म की बॉक्स ऑफिस पर आंधी चली थी। उस साल ये फिल्म 100 करोड़ से ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी। इस फिल्म से न केवल नुसरत भरूचा बल्कि कार्तिक आर्यन को भी बड़ी पहचान मिली थी। नुसरत ने आयुष्मान खुराना के साथ ड्रीम गर्ल में भी काम किया, जिसे दर्शकों का खूब प्यार भी मिला था। इसके अलावा उन्होंने राजकुमार राव के साथ छलांग में भी काम किया। साल 2022 में वो अक्षय कुमार के साथ राम सेतु और सेल्फी में नजर आई। और कुछ इस तरह से नुसरत भरूचा लगातार हमें किसी न किसी फिल्म में देखने को मिल ही जाती हैं। खैर, आप भी इस पर अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की छोटी और बड़ी तमाम खबरों की जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ न्यूज़ नेशन पर।